दोस्तों, हमारे जीवन में या यूं कहे रोजमर्रा के जीवन में कई अवसर ऐसे आते हैं जहां समझ में नहीं आता कि चुप रहे या बोले। चुप रहने का कुछ फ़ायदा है तो कुछ नुकसान भी है। कुछ ऐसे अवसर होते हैं जहां बोलना बेहद ज़रूरी होता है, तो कुछ ऐसे मौके पर चुप रहने पर ही भलाई है। लेकिन दुविधा ये है कि कहां बोले और कहां चुप रहे। तो आज हम लोग चुप रहने के कई फायदे के बारे में जानेंगे और साथ ही ये हमारे सेहत को कैसे लाभ पहुँचाते हैं। नंबर एक, जब कोई आदमी आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा है तो आपको चुप रहकर बस सुनना चाहिए, अपनी राय व्यक्त नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है वो कल किसी और के सामने आपकी भी बुराई कर सकते हैं, यदि आपने कुछ कहा तो चुप रहिए। नंबर दो, अधूरा सच। यदि आपको किसी घटना या किसी विषय पर अधूरी जानकारी है तो चुप रहना सबसे बेहतर है, क्योंकि अधूरा ज्ञान बड़ा घातक होता है। ये आपको हंसी का पात्र बना सकता है, किसी मुसीबत में भी डाल सकता है। नंबर तीन, जब आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपकी भावना, दुख या परेशानी को शब्दों में नहीं समझ पा रहे हैं, आपको अच्छे से सुन नहीं रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के सामने चुप रहना ही बेहतर है। क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावना या दुख से कोई मतलब नहीं होता, ऐसे लोगों को अपना राज बताकर आप पछताएंगे। नंबर चार, यदि कोई इंसान अपने दुख या परेशानी को आपको बता रहा है तो इसका मतलब वो आपको अपना समझ रहा है। ऐसे में तुरंत ही उसे समाधान बताने की बजाय चुप रहकर उसकी दुख या समस्या को सुने, उसके दुख या समस्या को किसी और को ना बताए। नंबर पाँच, जब कोई अपना या कोई सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, आपको अपमान कर रहा है या घिना शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, तो आपको उस वक्त चुप रहनी चाहिए ताकि सामने वाले का गुब्बारा पूरी तरह से बाहर निकल जाए। आप यदि सही है तो उससे कोई माफ़ी ना मांगे और चुप रहकर सही समय का इंतज़ार करे। वो खुद ही आपसे माफ़ी मांग लेगा या उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। दोस्तों, ये तो रहा किसी सिचुएशन को संभालने का तरीका, लेकिन चुप रहने का असर हमारे सेहत में क्या पड़ता है? जी हाँ दोस्तों, चुप रहने का कई असर हमारे शरीर पर पड़ता है। नंबर एक, दिमाग बेहतर तरह से काम करता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम दिन भर में कुछ मिनट के लिए शांत रहते हैं तो उस समय हमारा दिमाग रिचार्ज होने लगती है और बेहतर काम करता है। इसका फायदा आपके व्यक्तिगत जीवन और रिश्ते में भी पड़ते हैं। नंबर दो, चुप रहने से तनाव वाले हार्मोन नियंत्रित होते हैं। आज के दिन में हर तरफ शोर ही शोर है, इसी वजह से दिमाग में तनाव पैदा होने लगती है। अगर आप रोज़ाना कुछ देर के लिए शांत रहने के अभ्यास करेंगे तो आपके तनाव पैदा करने वाले हार्मोन के लेवल में कमी आएगी, दिमाग शांत रहेगा, गुस्सा कंट्रोल कर पाएंगे। नंबर तीन, चुपचाप रहने से ब्रेन सेल बढ़ती है। अक्सर तनाव, स्ट्रेस, एंग्जाइटी और लगातार बोलने और शोर शराबा के चलते हमारे दिमाग की कोशिकाएँ मरने लगते हैं। अगर आप कुछ देर के लिए शांत हो जाए तो दिमाग की सेल दोबारा बनती है, इससे दिमाग की शक्ति बढ़ती है, दिमाग तेज होते हैं। नंबर चार, शांत व्यक्ति क्रिएटिव होते हैं। जब हम दिन भर की उलझन में उलझे रहते हैं, शांत होकर सोचने समझने की क्षमता को खोने लगते हैं, हमारी क्रिएटिविटी खत्म होने लगती है। जब हम चुपचाप मौन रहेंगे तो हमारे दिमाग की नई नई क्रिएटिविटी उभर कर सामने आएगी, हम में सोचने समझने और सुनने की क्षमता बढ़ेगी, हम कुछ नया कर पाएंगे। नंबर पाँच, शांत रह के परिस्थितियों का सामना बेहतर ढंग से कर पाएंगे। किसी मुश्किल परिस्थिति में भी शांत व्यक्ति अपना आपा नहीं खोते, किसी लॉजिक के साथ सोचने की काबिलियत रखते हैं, परिस्थिति को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। नंबर छः, शांत रहना हमारे दिमाग के लिए एक एक्सरसाइज है। हमारे शरीर का सबसे जटिल हिस्सा दिमाग होता है, ये पूरे शरीर को चलाता है और ये हमारे सभी इमोशन को भी कंट्रोल करता है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम हमारे दिमाग को भी व्यायाम करवाएं। जिस तरह शरीर को मजबूत बनाने के लिए शारीरिक व्यायाम, उसी तरह दिमाग को मजबूत बनाने के लिए मौन रहे, इससे दिमाग की मांसपेशियां तंदुरुस्त रहेगी। नंबर सात, शांत रहना हमारे दिमाग को पॉजिटिव विचारों से भर देता है। जब हम दिमाग को बाहरी शोर शराबा से दूर करते हुए कुछ समय खुद को देते हैं तो हम अपने आसपास के अच्छाइयों को समझ पाते हैं। कुछ देर शांत रहकर हम सबको अपने अंदर झांकना चाहिए, समझना चाहिए। नंबर आठ, चुप रहकर आप एक अच्छा श्रोता और समीक्षक बन सकते हैं। जब आप चुप रहेंगे तो दूसरों को ज़्यादा सुन पाएंगे, उसका विश्लेषण कर पाएंगे, अच्छी डिसीजन ले पाएंगे। चुप रहना आपके दिमाग को शांत करता है, आपको लॉजिकल समीक्षक बनाता है।
लेकिन सबसे अहम सवाल, चुप रहे कैसे? चुप रहना इतना आसान भी है नहीं। चुप रहने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी सांसों की आवाज़ सुनने की कोशिश करें, अपने शरीर के अंदर की हलचल को महसूस करें। इससे धीरे धीरे अपना मन शांत होने लगेगा। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।